कोरोना लॉकडाउन के बाद से बैकफुट पर गए बॉलीवुड ने जबरदस्त वापसी की है। 2023 में पठान से शुरू हुआ बॉक्स ऑफिस सक्सेस का यह सिलसिला अभी तक जारी है। बॉलीवुड के अच्छे दिन लौट आए हैं। हिंदी सिनेमा के फैंस की खुशी सातवें आसमान पर है। अगस्त में बॉलीवुड का डंका बज रहा है और इसमें सबसे बड़ा योगदान है सनी देओल की फिल्म गदर 2 का। इसकी बॉक्स ऑफिस पर हो रही ताबड़तोड़ कमाई ने हर किसी को हैरान कर दिया है। सनी देओल की मूवी गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है। मूवी ने 12 दिन में 400 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। सनी देओल की पहली 400 करोड़ की फिल्म बनी गदर 2 हर दिन कलेक्शन के साथ गर्दा उड़ा रही है। सनी की फिल्म का मैजिक लोगों को क्रेजी कर रहा है। गदर 2 ने कई बड़ी ब्लॉकबस्टर को कमाई में पीछे पछाड़ दिया है। किसी ने नहीं सोचा था कि 22 साल के बाद लौटकर तारा सिंह ऐसा जलवा मचाएंगे। अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है। फिल्म के 12वें दिन की शुरुआती आंकड़े सामने आए हैं। इसके मुताबिक सनी देओल की मूवी ने मंगलवार को 11.50 करोड़ के करीब कमाई की है, जिसे मिलाकर गदर 2 ने 400 करोड़ रुपए पार कर लिए हैं। दूसरे मंगलवार को फिल्म की कमाई में हल्की सी गिरावट जरूर दर्ज की गई, बावजूद इसके फिल्म अभी तक धमाल मचा रही है। वर्किंग डेज में भी गदर 2 ने मजबूत पकड़ बना रखी है। गदर 2 से पहले पठान ने सबसे तेजी से 400 करोड़ रुपए कमाने वाली हिंदी फिल्म बनी थी। अब गदर 2 ने पठान के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। दोनों ही फिल्मों ने 12 दिन में 400 करोड़ रुपए कमाए हैं। वही बाहुबली 2 हिंदी ने 14 दिन में 400 करोड़ रुपए क्लब में एंट्री पाई थी। KGF 2 हिंदी में 23 दिन में 400 करोड़ रुपए एंट्री में दस्तक दी थी। दूसरी तरफ सनी की फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 500 करोड़ रुपए लिए हैं। सनी की फिल्म का मैजिक लोगों को क्रेजी कर रहा है। गदर 2 ने कई बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को कमाई के मामले में पीछे पछाड़ दिया है। सनी की फिल्म शाहरुख खान की पठान को कड़ी टक्कर दे रही है। गदर 2 जिस रफ्तार से कमाई कर रही है उसे देखकर लगता है अभी कई और रिकॉर्ड्स टूटने बाकी हैं। सनी देओल और अमीषा पटेल फिल्म रिलीज के बाद भी इसके प्रमोशन में बिजी हैं। विदेश में भी गदर 2 को लेकर फैंस क्रेजी हो रहे हैं और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। लोगों का ऐसा प्यार देखकर सनी देओल भी हैरान हो गए हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्हें खुद मालूम नहीं था कि लोग आज भी उन्हें इतना प्यार करते हैं। सनी देओल की गदर 2 जब से सुपरहिट हुई है, मेकर्स उनकी सक्सेस को गुनाने के पीछे लगे हैं। आए दिन सनी देओल की फिल्म का सीक्वल बनने की खबरें आ रही हैं। हालांकि एक्टर ने अभी तक कोई नया प्रोजेक्ट साइन नहीं किया है। गदर 2 की सुपर सक्सेस के बाद फैंस को एक्टर को फिर से स्क्रीन पर देखने का इंतजार है। खैर, उसमें अभी वक्त लगेगा। तब तक के लिए आप गदर 2 के शोज को देखते रहिए, और अगर आपने इस फिल्म को देखा तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपका अनुभव कैसा रहा।